శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద బల హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 బల హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి సర్వప్రథమ మరి గురు పాద పద్మ నిధులీలా ప్రభుష్ణ విష్ణు పాద శ్రోదర సద శ్రీ శ్రీ శ్రీమాధు భక్తి శ్రీ రూప్ సిద్ధాంతి గోస్వామి మహారాజ్ జీకి చరణ కమల మే అనంత కోటి సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామ కర్తా తత్పశ్చాత్ మరి శిక్షా గురు పాద పద్మ నిధులీలా ప్రభుష్ణ విష్ణు పాద శ్రోదర సద శ్రీ శ్రీ శ్రీమాధు భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ జీకి చరణ సరోజ మే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తా ఉపస్థితి శ్రీ ఉదయన మహారాజ్ శ్రీ అకించన మహారాజ్ అకించన మహారాజ్ అన్యాన్య వైష్ణవ వైష్ణవి సభికు మే యథాయోగ్య ప్రణామ కర్తా హరి కృష్ణ ఆజ్ హమ్ లోగ్ శ్రీ శ్రీ సచ్చినందన గౌర హరికి కథ ఔర్ శ్రీ చైతన్య భాగవత్ కి కథ ఆజ్ హమ్ లోగ్ శ్రవణ కరేంగే కది యహాన్ పర్ ప్రశ్న ఆతా హై जैसे हमारे आराध्य देव श्री सच्चिदानंदन गौर हरि हम लोग सबके सब श्रीमन महाप्रभु को भगवान मानते हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण राधा जी की भाव अंग गांधी लेकर के ये कलयुग में आए हैं। अभी यहाँ प्रश्न करते हैं, ये कलयुग में तो जैसे खेती में जैसे बीज बोते हैं ना, खेती में जैसे बीज बोते हैं, कलयुग में देखो हमारे भारत में तो बहुत सारे भगवान हैं, सत्य साई भगवान और साई बाबा भगवान, राम कृष्ण भगवान हैं और बाल कृष्ण भगवान, अच्युतानंद भगवान, फिर हमारे उड़ीसा में एक भगवान नया भगवान निकला था सारथी बाबा भगवान, हाथ से महू निकलता था, शहद निकलता था, सार का सार से दूध निकाल लेता था। कहते जगत में तो बहुत सारे भगवान हैं, क्या हम लोग भी ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान बोल करके फिर महाप्रभु को हम भी क्या ऐसे भगवान बोलते हैं क्या? कहते नहीं ऐसे नहीं। इसलिए कहते अवतार मतलब होता है, कहते अप्रपंचात प्रपंचे अवतरणम इति अवतार, कहते जो अप्रपंच जगत से भगवत वैकुंठ गोलोक वृंदावन से हैं, इसी जगत में जीवों को उद्धार करने के लिए इसी जगत में जो उतरते हैं, कहते ये अवतार है, ये अवतार है। इसलिए जिसको कृष्ण स्वयं कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन, जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म की हानि होने लग जाए हैं, उसी समय में मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को विनाश करता हूँ और जगत में धर्म को स्थापन करता हूँ। अभी जो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं, कहते भैया इसका कोई क्या प्रमाण क्या है ना, सारा दुनिया जैसे अपना अपना भगवान बना देते, नया नया भगवान, हम भी महाप्रभु के ऐसे भगवान बोल देते हैं। उदाहरण देते थे गुरुदेव, जैसे मानो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, अभी ये पुरी में आएगा, ऐसे क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। इसे पहले न्यूज पेपर में आ जाता है, हैं टीवी में आती है, पहले उसके लिए आकर के लोग कितना दिन पहले रास्ता को हैं अच्छे तरह से रास्ता को मरम्मत करने लग जाते हैं, सुंदर सुंदर गेट बनाते हैं, कहाँ रहेगा उसके लिए स्टेज बनाते हैं, बड़े बड़े मंत्री पहले आते हैं, पुलिस
पता नहीं एक साधारण एक प्राइम मिनिस्टर है अगर आए कभी भारत का, उसके लिए कितने सरंजाम है, उसके लिए कितने प्रस्तुति करना होती है, तभी जाकर के एक साधारण जगत का प्राइम मिनिस्टर आता है। लेकिन वो गोलोक वृंदावन से भगवान इसी जगत में आएंगे, क्या ऐसे आ जाएंगे? ऐसे नहीं आ जाएंगे। जैसे अभी कलयुग में कल्कि अवतार हुआ ही नहीं है, कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ, लेकिन भागवत में पहले बोला हुआ है। क्या बोला हुआ, क्या श्लोक है? संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु जस कल्कि वा प्रादुर्भविष्यति। ये भागवत में पहले ही लिखा हुआ है। भगवान कल्कि अवतार कहाँ लेंगे? बोले संभल ग्राम मुखस्य, संभलपुर ग्राम में लेंगे। हैं, संभल ब्राह्मणस्य महात्मना, एक महात्मा ब्राह्मण के घर में भवने विष्णु जस्य, उनका नाम क्या होगा? बोले विष्णु जैसा नाम होगा। उसी घर में भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे, पहले से बता दिया है कल्कि अवतार आने से पहले। उसी तरह श्रीमन महाप्रभु को जो हम भगवान बोलते हैं, क्या कहीं इसका प्रमाण है ना? सब लोग जैसे भगवान नया नया भगवान बना देते हैं, हम लोग भी ऐसे नया भगवान बना दिया। महाप्रभु भगवान भगवान बोल दिए हैं, भगवान भगवान बोल दिए तो नहीं, शास्त्र में प्रमाण है। इसलिए वेद में, पुराण में, उपनिषद में, भागवत में, सब जगह में इसका प्रमाण है। कहाँ आएंगे, उनको पत्नी का नाम क्या होगा, पत्नी के नाम क्या होगी, उनकी माँ का क्या नाम, उनको पिताजी का नाम क्या, कहाँ पर जन्म ग्रहण करेंगे, वो करेंगे क्या, फिर सन्यास लेकर आकर कहाँ रहेंगे, ये शास्त्र में कितने प्रमाण हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हैं, अर्थयम् ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित। कहते भागवत को क्या बताया, जितने वेद पुराण उपनिषद का जो सार है, हैं, सर्व वेदांत सार सारम समुद्रितम, सारे शास्त्र का जो सार सार क्या है, ये श्रीमद् भागवत। बोले तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। अगर भागवत का रसामृत को कोई पान कर ले, फिर उसको और कहीं रुचि नहीं रह जाएगी। इसलिए भागवत में क्या कोई प्रमाण है? महाप्रभु कलयुग में महाप्रभु हैं, कृष्ण ही कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आए। बोले हाँ प्रमाण है। बोले कहाँ पर? बोले जिस समय श्री कृष्ण जन्म हुए, गर्गाचार्य उनके घर में आए नाम करने करने के लिए, और गर्गाचार्य जी जब उनका नाम करण कर रहे थे, गर्गाचार्य स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णतम। बोले ना हे नंद बाबा, तुम्हारा ये जो लाला है ना, ये लाला तुम्हारा साधारण नहीं, ये लाला तुम्हारा साधारण नहीं, ये ऐसे कोई युग नहीं जिस युग में तेरे लाला नहीं आते। इसके इतने नाम, इतने गुण हैं, जिसका वेद भी इसका कोई था नहीं पाता है। इतने नाम, इसके इतने गुण हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, तेरे लाला का हम महिमा क्या बताएंगे, हर युग युग में आता है। इसलिए सत्य युग में तुम्हारी लाला शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, तृतीया युग में तुम्हारे लाला रक्त वर्ण धारण करके आया था। फिर कह रहे, कहते ये कलयुग में हैं, ये कलयुग में श्री गौर हरि बन करके शुक्ल वर्ण धारण करते हुए श्री नवद्वीप में श्री हैं, कहते श्री नवद्वीप में सचिनंदन गौर हरि बन करके जगन्नाथ जी के पुत्र रूप में आएगा, लेकिन इदानी कृष्णतम गत, अभी वो कृष्ण रूप में आया है, इसलिए इसका एक नाम होगा कृष्ण, एक नाम होगा इसका कृष्ण। ये द्वापर युग में गर्गाचार्य स्वयं बोल कर गए, श्रीमन महाप्रभु कृष्ण ही कलयुग में श्री गौर हरि बन करके आने वाले हैं। फिर कहते एकादश स्कंद में, बोले जिस समय श्री वसुदेव महाराज जब बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे,
यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए हुए थे, जहां पर हैं, जहां पर यज्ञ कुंड बना हुआ, गैया घी और चंदन की लकड़ी, जहां पर स्वयं देव की वसुदेव कृष्ण बलदेव कृष्ण की 16108 पटरानियां, जहां पर स्वाहा 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 अग्नय स्वाहा वरुणाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा स्वाहा हो रहा था। इतने में श्री जब श्री ब्रिज में श्री नारद जी प्रकट होते ही वसुदेव महाराज बोले यज्ञ बंद कर, यज्ञ बंद कर दो, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यज्ञ का पहले ही हमारे सामने साक्षात प्रकट हो गए। तब श्री नारद जी को जिस सिंहासन में कृष्ण बैठते वहां पर बैठाए, उनके चरण धोए, चरणामृत लिए, शांति जल रूप में पूरा द्वारका में छिड़काव करवाए। उसी समय में श्री वसुदेव महाराज हैं कहते क्या कहते हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले आज हमारे अहोभाग्य है, कहते भगवत दर्शन से भी भक्तों का दर्शन दुर्लभ है, आज हमारे जीवन धन्य हो गया। जब उन्होंने प्रश्न किया था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, तब श्री नारद जी फिर बोले, बोले देखो ठीक यही प्रश्न एक दिन श्री नेमी महाराज का दरबार में जब नव जोगेंद्र आए, कवि हवि अंतरिक्ष प्रबोध विपुलायन, कहते जब ये नव जोगेंद्र आए यही प्रश्न ही श्री नेमी महाराज ने नव जोगेंद्र को उन्हें 9 प्रश्न किया था। कितना प्रश्न किया था, 9, सबको अलग 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 प्रश्न किया था। उसमें एक है करभाजन, तो उनने करभाजन को भी एक प्रश्न किया, बोले वो प्रश्न किया है, बोले कस्मी निकाले स भगवान किम वर्णा की दृश्य निधि नामना बा के न विधिना पूज्यते तद हित तद होचता तार। तब उन्होंने प्रश्न किया था, कहते हे करभाजन आप कृपा करके बताओ कस्मी निकाले स भगवान किम वर्ण की दृश्य निधि है, कहते भगवान कौन सा काल में भगवान कौन सा वर्ण कौन सा नाम को लेकर के आते हैं और केनो विधिना पूज्यते, उनको किस विधि विधान से उनका पूजा होती है आप कृपा करके आप बताओ। जब बताए तो उसी समय में ये करभाजन ने क्या बताए, बोले बताए ये 4 युग है सत्य तृतीया द्वापर और कलि। तो यहाँ पर 4 युग का कथा आता है, कहते सत्य युग में भगवान किस रूप में पूजा होगी, तृतीया युग में किस रूप में, द्वापर युग में किस रूप में, उनका वर्ण कैसे होगा, नाम क्या होगा, कैसे उनको उपासना होगी। लेकिन जब कलयुग की बात आया ना, तब श्री करभाजन कहते हैं क्या कहते हैं, बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधस। कहते कलयुग में जो सुमेधस मतलब जो बड़े बुद्धिमान, कहते मूर्खों के लिए मैं नहीं करा, मूर्ख लोग तो जिसको तिसको पीछे भगवान बोल करके भाग रहे हैं, उल्टा पुल्टा लोगों को पीछे भगवान बोल कर भाग रहे। अब जितने भगवान थे ना सब जेल में बैठे, सारे भगवान अभी हैं, सब भगवान अभी जेल में बंद पड़े हुए हैं। कहते हैं वो मूर्खों लोगों के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, जिसको तिसको भगवान बोल करके सब पीछे पीछे भागने वाले लोगों के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, बोले सुमेधस कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो उनके लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो भक्ति जगत में ना कृष्ण स्वयं कहते ना सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोपी महामुनि, भगवान भक्ति में जो आते हैं बोले सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति आते हैं, दुर्भाग्यवान व्यक्ति नहीं आते। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कौन भाग्यवान, कौन मतलब क्या है, पर जिसको पूर्व पूर्व जन्म में जिनकी बहुत भक्ति उन्मुखी सुकृत उदय हुआ है वही व्यक्ति भगवान की भक्ति जगत में आएगी। वहां पर बताए जो कपटी व्यक्ति है ना
वहां पर बताया जो कपट व्यक्ति है, जो निष्कपट व्यक्ति नहीं, भगवान उनको यहाँ पर नहीं लाते, नहीं लाते भक्ति जगत, उनको उल्टा पुल्टा जो भगवान है ना, सब जेल में जो भगवान बंद है उस भगवान के पास में भगवान ले जाते, क्यों तो देखते इसका हृदय में शुद्ध भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए बना गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, कहते गुरु और कृष्ण प्रसाद से, क्योंकि जो शुद्ध भक्तों को पास में लेने वाले कौन है, बोले ठाकुर है, जगन्नाथ ही ले जाते, क्योंकि उनका जो सुकृति ठीक ऐसे सुकृति होनी चाहिए, तभी तो कोई सदगुरु के पास में शुद्ध लाइन में तभी तो जाएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए कहते सुमेधस, इसलिए जो बहुत बुद्धिमान अच्छे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अच्छे जो बुद्धिमान व्यक्ति उनके लिए कहता हूँ, बोले क्या है, बोले कृष्ण वर्णम, बोले कृष्ण वर्णम मतलब क्या है, बोले कृष्ण ति वर्ण द्वयम कीर्तनम परम, कहते हर समय ये जो कृष्ण ये जो दो अक्षर है जिसको जिह्वा में हर समय है, कहते कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, जो हर समय कृष्ण का नाम तो जो कीर्तन करते हैं, दूसरा अर्थ है बोले कृष्ण उपदेष्टारम, कृष्ण उपदेष्टारम कृष्ण कृष्ण ति वर्ण द्वयम कीर्तन न सदा कृष्णानुसंधानम तत्परम मिति जावत, यहाँ पर दो तीन अर्थ बताया कृष्ण वर्णम, एक अर्थ क्या हो गया जिसका जिह्वा में हर समय कृष्ण 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 नाम को जो जप करता है, दूसरा अर्थ बताए बात कृष्ण को जो हर समय कृष्ण भजन की जो उपदेश देते हैं, इसलिए महाप्रभु बोले ना जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमार आज्ञा गुरु हैया तारा देश, इसलिए महाप्रभु का निर्देश है जिसको देखो है यह बोई ना बोली वे ना बोलाई वे हार, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र यह जब किया सबे करिया निर्बंध, और यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवार और सर्व क्षण बोलो इथे इतना यार, ये महाप्रभु का निर्देश है, जो हर समय कृष्ण नाम को जो उच्चारण करेगा और उपदेश क्या देगा, हर समय कृष्ण भजन ही करो हैं, प्रति घरे घरे किया माग यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, इसलिए हर घर घर में दरवाजा दरवाजा में जाओ और अपना झोली फैला कर क्या मांगो, बोलो कृष्ण, बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भजन करना तो कृष्ण ही भजन करो, और शिक्षा प्राप्त करना तो कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा प्राप्त करो, इसलिए। और जो तीसरा अर्थ है, हैं तीसरा अर्थ सदा कृष्णानुसंधानम तत्परम इति जावत, हर समय जो कृष्ण को ही अनुसंधान करता है, कृष्ण को ही अनुसंधान करता है, इसलिए महाप्रभु दिन रात हाथ उठाकर क्या करते हैं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर भूख, कहा रे कहे वो कथा के जाने मोर दुख, इसलिए महाप्रभु स्वयं हर समय हाथ उठा करके कहाँ जाने पर मेरे श्याम सुंदर हमें कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण के बगैर मेरे हृदय फट रहा है, इसलिए कहते कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम बोले सांग पांग अस्त्र पार्षदम, कहते क्या वो अकेले आएंगे, बोले वो अकेले नहीं आएंगे, इसलिए भक्त मनोहर ठाकुर बोले ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करे सपार्षद सियो धाम अवतारे, कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करे सपार्षद सियो धाम परिवार दाना सिखाई सरल।
तेरा प्राण, हे कृष्णा चैतन्य प्रभु शिव दया करी, प्रसाद सियो नामा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सियो धाम सहबतरी। वो दया करके सब पार्षद सियो धाम, धाम और अपना पार्षद को ले करके अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते सांग पांग अस्त्र पार्षदम। कहते सांग कौन है? बोले श्री नित्यानंद श्री अद्वैत प्रभु। कहते इनकी ये अंग है। कहते उपांग है प्रभु बरौ उपांगानी तयो आश्रित श्रीवास आदि शुद्ध भक्ता। इसलिए कहते सांग पांग, कहते जो उपांग उनका है कौन है? कहते ये श्रीवास आदि जितने शुद्ध भक्त हैं। कहते उनका अस्त्र कौन है? कहते उनका अस्त्र हरिनाम शब्दादिनी पार्षद शब्दादिनी। कहते जो हरे कृष्ण महामंत्र यही कलयुग में अस्त्र है, यही कलयुग में अस्त्र। इसलिए बोले एबे अस्त्र नाधरिल प्राणेकारे नामारिल। इसलिए हर अवतार में राम अवतार में धनुष धारण किया, द्वापर अवतार में भगवान चक्र उठाया, लेकिन कलयुग में उन्होंने कोई अस्त्र धारण नहीं किया। अस्त्र धारण किया लेकिन वो अस्त्र क्या है? कदि हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का ये अस्त्र है, यही अस्त्र है। हैं बोले भैया ये अस्त्र कैसे हो गया? अस्त्र से तो काटते हैं, अस्त्र से ये काटते हैं, लेकिन ये अस्त्र कैसे हो गया? बोले राम और कृष्ण अवतार में धनुष और चक्र से तो काटे हैं, हैं? लेकिन काटने का बाद भगवान हतारी गतिदाय का एक नाम है, भगवान का हाथों में अगर कोई मरता है उसको गति प्राप्त हो जाती है, उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन कलयुग में महाप्रभु उन्होंने एबे अस्त्र ना धरी लो प्राणेकारे ना मारी लो। बोले क्यों नहीं मारे? कारण है कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के आए, और राधा रानी ये बड़ी दयालु, राधा रानी ये बड़ी दयालु है। इसलिए होने का नाते देखो राम तो मारे, कृष्ण तो मारे, राधा रानी किसको मारे? क्या मैया सीता ने किसको मारी है? किसको ये मारे नहीं? क्यों? राधा रानी बड़ी दयालु। इसलिए करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, राधा रानी बहुत दयालु। इसलिए वृंदावन में जाओ ना, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते। क्या बोलते हैं वृंदावन में? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगा श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे, और राधा रानी की कृपा नहीं हो तो ब्रजवासी भी नहीं मिलता है। ब्रजवासी भी एक समय से रूप गोस्वामी बहुत दुखी हो गए, एक दिन दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिए। इतने में राधा रानी छोटी सी बालिका बनकर के आ गए। बाबा बाबा कहा बात है, तो खाना पीना क्यों छोड़ दिए? बोले लाली हमने इतने राजपद को ठुकरा करके है सब कुछ छोड़ करके मैं वृंदावन में आया हूँ भजन करने के लिए है, लेकिन मेरे ऊपर में राधा रानी का कोई कृपा की कोई अनुभूति नहीं हो रही। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वृंदावन धाम में वही काम नहीं हो रहा है, मेरे को ऊपर राधा रानी की कोई कृपा नजर नहीं दिख रहे। तब राधा रानी बड़ी मीठी मीठी बोली से बोली, बोले बाबा वृंदावन में वही वास कर सकते हैं जिसको ऊपर में श्री राधा रानी का कृपा हो। जिसको ऊपर राधा जी का कृपा नहीं होना वो ब्रजवास नहीं कर सकता है। बड़े बड़े साधुओं को जीवन में भी दिखाई पड़ा, सारा जीवन तो वृंदावन में रहे लेकिन अंतिम समय में जो प्राण छोड़े ना और कहीं ले जाए। किसी प्लेन में कोई प्राण छोड़े, नहीं तो कोई विदेश में कोई प्राण छोड़े, लेकिन ब्रज ब्रज में प्राण उनकी नहीं गई, क्योंकि वृंदावन में भगवत धाम में प्राण त्याग करना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसको पर राधा जी की कृपा हो वही व्यक्ति ब्रज धाम में अपना अंतिम श्वास को छोड़ सकता है, है? जब श्री राधा रानी बड़ी मीठी मीठी बोली से बोली, बोले बाबा राधा रानी की कृपा है तभी ब्रजवास कर रहे हो, राधा रानी का कृपा नहीं होता तो ब्रजवास तुम्हारी होता ही नहीं। राधा रानी कब लात मार कर तुमको यहाँ से निकाल लेती, यहाँ से
इसलिए राधा जी की कृपा, जब राधा रानी बड़ी मीठी मीठी बोली बोली ना, रूप गोस्वामी का हृदय एकदम शीतल हो गया। क्यों? वो स्वयं श्री राधा रानी थी, राधा रानी वो स्वयं थी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कलि युग में एबे अस्त्र ना धरी लो प्राण कारे ना मारी लो। क्यों अस्त्र क्यों नहीं धारण किया, प्राण से क्यों नहीं मारे? क्यों? राधा रानी बड़ी दयालु, ऊपर से नहीं मारते हैं लेकिन अंदर से मार देते हैं। अंदर से क्या करते हैं, जैसे किसको मारते हैं। इसलिए कलि युग में क्या किया, अस्त्र भगवान का नाम है, भगवान का नाम अस्त्र होने का नाते हृदय में जो हमारी काम क्रोध लोभ मोह मदमाक्षर्य, कहते उन्होंने क्या किया, ये हरि नाम को द्वारा चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसमर्पणम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम कीर्तन करने से अपने आप हृदय क्या होता है, निर्मल हो जाता है, हृदय साफ हो जाती है, हृदय है साफ हो जाती है कि भगवत नाम को द्वारा। इसलिए कलि युग में महाप्रभु ने क्या किया, मारे तो राक्षसों को लेकिन हृदय में जो राक्षस बैठे ना उनको मार डाले, और जो कृष्ण और राम हाँ उनको पर कल्याण किया जीवों को ऊपर में, जब उनको मारे उनको दूसरे जीवन में कहीं मुक्ति मिली है। लेकिन ये शरीर रहते रहते, ये शरीर रहते रहते जो जीव को जो भगवत अनुभूति है ये केवल महाप्रभु ने ही करवाए है। जगह ही मत है, कितने बड़े पापी थे, कितने बड़े पापी थे लेकिन जीवन रहते रहते उनका जीवन को उन्होंने परिवर्तन करा दिया, उनका जीवन परिवर्तन कर दिया उन्होंने। काजी को जीवन रहते रहते उनको जीवन परिवर्तन कर दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तद हरि हरि अस्त्राणी हरि नाम सप्ताधिनी पार्षदम, कहते उनको पार्षद कौन है, बोले उनका पार्षद गदाधर दामोदर स्वरूप रामानंद सनातन रूपादय। कहते ये जितने सब गदाधर दामोदर स्वरूप रामानंद सनातन रूप आदि कहते इनकी तही सह नित्य वर्तमान जह तत्, कहते ये सब के सब उनको पार्षद है। बोले कृष्ण वर्णम तीसाम, कहते तीसा मतलब कहते उनका अंग कांति कैसे है, कहते कांत्या भले अकृष्णम, जो कृष्ण नहीं जो अकृष्ण, अकृष्ण मतलब क्या है, पीत गौर अंत कृष्ण बहिर गौर, कहते ये अंदर में तो कृष्ण है लेकिन ऊपर में ये गौरव वर्ण धारण किए हैं। इसलिए राधा भाव दुति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, इसलिए अंत कृष्ण और बहिर गौर और राधा भाव दुति सुबलितम कृष्ण स्वरूपम गौर सुंदरम। इसलिए कलि युग में उनका अंग कांति क्या है, कहते इनका अंग कांति अकृष्ण, जो कृष्ण नहीं काले नहीं जो गौरवर्ण है। इसलिए कलो कलि युगे विशेषतः संकीर्तन प्राय यही, कहते कलि युग में बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, बोले संकीर्तन प्राय यही, बोले संकीर्तन प्राय मतलब क्या, बोले बहुवी मिलित्वा उच्चई गौर कृष्ण नाम कथा गान प्रचारादि तत् प्रधानई है। इसलिए कलि युग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनको कैसे पूजा करेंगे, संकीर्तन प्राय, संकीर्तन मतलब जहां पर बहुत सारे भक्त मिल करके उच्च कीर्तन करते हैं नाम कथा गान और भगवान की जो प्रचार है कत्तत प्रधान ही, इसको द्वारा जो उपासना करते हैं। इसलिए कहते यज्ञ पूजा संभारई सुमेध सुष्टम मेधा जैसा ते जजती आराधयत। इसलिए कलि युग में जो बुद्धिमान व्यक्ति ये क्या करेंगे, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान को आराधना करेंगे। तो यहाँ पर श्री भक्ति जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज कहते थे, बोले आप बता दिया कलि युग में जो बुद्धिमान व्यक्ति संकीर्तन रूपी यज्ञ को द्वारा पूजा करेंगे गौर हरि को, बोले हाँ, बोले ये संकीर्तन यज्ञ कैसे हो गया, यज्ञ के लिए तो पहले हवन कुंड चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, घी चाहिए,
एक चमल चाहिए, मंत्र चाहिए, अग्नि, इतने सारे चीज होने पर तभी यज्ञ होता है। लेकिन आपने कैसे बता दिया, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, ये संकीर्तन ही कलयुग में यज्ञ है। तो बड़े सुंदर उदाहरण देते, मथुरा में जब आए थे हैं, जब भक्त लोगों ने प्रश्न किया तो बड़े सुंदर समझाए, बोले तो देखो जो कान है ना, ये कुंड जैसे बना हुआ है, जैसे हवन कुंड होता है ना, ये कान जैसे कुंड जैसे, जिस चम्मच को द्वारा घी डालते हैं वो कौन सा, बोले ये जीवा है। बोले मंत्र क्या है, बोले जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहती ये मंत्र है। बोले उसमें घी का है, बोले जिस भाव को साथ में ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं यही घी। बोले अग्नि का है, बोले अग्नि का है, बोले हृदय में जो प्रेम प्रकट होता है यही। मतलब कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, कान रूपी कुंड में कृष्ण नाम रूपी मंत्र को, जीवा रूपी चम्मच को द्वारा है, भाव रूपी घी को जब डालेंगे हृदय में, भगवान के प्रति जो प्रेम प्रकट होगा वही क्या है, यही श्री है, जो अग्नि प्रज्वलित होगा यही प्रेम है। इसलिए कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन है कलयुग में यही यज्ञ। बोले यज्ञ में और क्या होता है, बोले जिस देवता का नाम पर हम आहुति देते हैं वो देवता भी प्रसन्न होता है। और जब यज्ञ होना, उसमें जो घी डालने से कहीं आया है, जैसे कंडा, कंडा समझते हो ना, घुटे कंडा, हाँ घसी कहते, कंडा के ऊपर में अब जो गैया के कंडे में, जो यज्ञ में कंडे देते हैं उसको ऊपर में जो घी डालो ना, उसमें जो धुआं निकल तो ऑक्सीजन, उससे बड़ा सुंदर ऑक्सीजन निकलती है, पूरा हवा की जितना वातावरण को पूरा के पूरा पवित्र कर देती है। वो साइंटिफिकल रिजिन है, हैं? उसमें पूरा वायुमंडल पूरा के पूरा उसमें पवित्र हो जाती है घी की, हाँ घी की जो खुशबू से हैं, और उसमें हवन सामग्री जो जो चीज डालते हैं, बड़ी सुंदर ऑक्सीजन बनती, बड़ी सुंदर है। इसलिए कहते एक में तो क्या हुआ, देवता लोग प्रसन्न होते हैं, देवता लोग प्रसन्न होते कि वो जिस देवता का नाम पर देते वही देवता ग्रहण करते हैं। इसलिए अब लोग भागवत में सुने होंगे, जब चतुसन जब ये भागवत कथा बोलने के लिए गए, उसी समय में क्या हुआ, स्वर्ग से देवता लोग दुदुभी नागड़ा नागड़े शंख और करताल बजा करके स्वर्ग से पारिजात पुष्प की बौछार उन्होंने की है। बोले क्यों, बोले यहाँ पर श्रीमद ये भागवत कथा, यहाँ पर भागवत कथा हो रही, जोर से जयकार लगाए, बोले श्रीमद भागवत कथा की, अरे जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा की। इसका तात्पर्य जो है, अगर कहीं कथा हो तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं, अगर कोई कीर्तन हो ना, कथा कीर्तन एक ही है, भगवान की महिमा, भगवान की कीर्तन, भगवान की कथा, जहाँ कीर्तन होते हैं देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, हरि कीर्तन हो रहा है, कहते ये यज्ञ है। दूसरा है यज्ञ से और क्या होता है, जो वातावरण वहाँ ऑक्सीजन बनती है, वातावरण घी की खुशबू से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन जब हम हरिनाम कीर्तन करते हैं, वो श्लोक है ना, आधि व्याधि सब व्यर्थ याद नहीं है, वो आधि व्याधि उपद्रव जितने हैं हरिनाम कीर्तन से सबके सब दूर हो जाता है, सबके सब दूर हो जाता है। इसलिए जब हमारे गाँव में कोई दुर्भिक्ष, किसी घर में आग लग गई, गांव में तरह तरह का होता है, हमारे गांव में लोग क्या करते थे, मृदंग बजरा करताल लेकर के अष्ट प्रहर कीर्तन होता था, और सबके सब गांव में हरि कीर्तन करना शुरू कर देते थे। गांव में हम लोग कीर्तन, बचपन में हम लोग कीर्तन करते थे, है भगवान का नाम कीर्तन करते थे, जो कुछ दिन कीर्तन करते थे ना, गाँव का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाते थे, अपने आप शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है भगवान के नाम से, है भगवान के नाम से। इसलिए एक समय साइंटिस्ट ने ये चीज को रिसर्च किया, बोले भैया क्यों कहते हैं भगवान का नाम से बड़ा शांति मिलती है, भगवान का नाम से बड़ा आनंद शांति मिलता है। उन लोगों ने एक दिन उन्होंने ये चीज को उन्होंने टेस्ट किया, बोले क्या टेस्ट किया, बोले तीन ट्रे लिया, तीन ट्रे में जो साबुत मूंग दाल उसमें डाल दिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया,
और तीन ट्रे को अलग अलग जगह पर रख लिया, एक ट्रे तो साधारण जगह में रखा और एक ट्रे को वहां पर लिखाया जहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा था कैसेडी में, और एक जगह पर जो रक म्यूजिक वहां पर उसको पर रख दिया। अभी तीन दिन बाद में देखा, बोले जहां साधारण जगह पर वो ट्रे को रखा था वहां पर तो कुछ अंकुर आया, जहां पर ये हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था दो तीन गुण ज्यादा अंकुर आया, बड़े सुंदर सुंदर अंकुर आया, और जहां पर ये रक म्यूजिक चल रही थी ना वो एक भी अंकुर नहीं आया, सब कुछ मर गया। वो समझ गए भैया भगवान का नाम में तो बड़ा ताकत है, भगवान के नाम में बड़ा ताकत है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हरी द्रवो स दशरथ अजीर विहारी, मंगल भवन अमंगल हरी, भगवान का जो नाम है सारे अमंगल को ये दूर कर देता है भगवान का नाम। अभी जैसे कोरोना वायरस है ना, हाँ अगर सारा दुनिया मिलकर हरि कीर्तन करे ना, हाँ रोड में निकल जाओ और खूब कीर्तन करो हरे कृष्ण महामंत्र करो भगवान का नाम, शास्त्र स्वयं कहता है, शास्त्र स्वयं कहता है। हमारे जो राधानाथ प्रभु जी नोएडा में, राधानाथ प्रभु जी इनको पिताजी का कैंसर हो गया, जब कैंसर हो गया डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीना और केवल तुम्हारे पास में समय है। जब उन्होंने देखा 6 महीना मेरे पास में, तब उन्हें नौकरी को रिजाइन दे दिया, घर में आकर के बोले जो 6 महीना बचने वाला, तो उन्होंने 1,00,000 हरिनाम जप करना शुरू किया, 1,00,000 हरिनाम उन्होंने 16-17 साल तक रहे जिंदा, 16-17 साल तक जिंदा रहे, पूरा पूरा उम्र होने पर ही उन्होंने शरीर छोड़े। एक बड़ोत में मेरे शिष्य है, वो जो वो आता है ना जो मोटी माता जी, क्या नाम नहीं उसको, जो जो उनके दो छोटी लड़की जो है उनको बेटी बेटा का दो लड़की दो उनको उनको पत्नी उनको बेटा का दो लड़की ना पहले शराब पीता था वो लड़का क्या क्या ना उनको पत्नी है ना जो वहां पर एक है उसका नाम क्या क्या है इसलिए मेरे याद में, इसलिए उनको पत्नी को कैंसर है, लेकिन वो कहते हम टूट गया था कैंसर क्या नहीं करता, वो बड़ी फुर्ती होकर भगवान में भजन करती है कीर्तन करती है खूब भक्ति करती है, है? खूब भक्ति भजन खूब करते हैं वो कहते हैं मैं क्या नहीं करता हूँ, तुम कहते मैं भगवान भजन करते हैं भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए डोट गया वो बड़े आनंद में रहती मस्ती से रहती है, है? मस्ती से रहती है। इसलिए कहते जो भगवान की जो नाम है ना उसमें बड़ा ताकत है भगवान का नाम में, है देखो इसी जगत में शब्द का महिमा देखो, शब्द में कितना शक्ति है। जैसे हमने बताया सूर्यकांत प्रभु, अगर हम बोल दे सूर्यकांत प्रभु बहुत अच्छे नेचर के हैं, बड़े दिल के सच्चे हैं, दूसरों के ऊपर दया करते हैं, दूसरों के ऊपर कृपा करते हैं, सबको आशीर्वाद, ये शब्द ही है देखा लोग खुश कर देता है। लेकिन अगर इसको दो चार अगर कोई चीज गाली बकते, हाँ इडियट नॉनसेंस स्टूपिड अगर गाली बोल देना, देखो महाभारत, महाभारत क्यों हुआ केवल द्रौपदी इतना बोल दी, क्या बोल दी उसने अंधा का बेटा अंधा होता है, इससे ही महाभारत हो गई। अगर ये साधारण शब्द में इतने शक्ति है, और भगवान का नाम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अविरणत्वात् नाम नाम ने, भगवान में सारे रस है सारे कृपा है सारे दया है भगवान के नाम में, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जग गई संकीर्तन प्राय गई जजति ही सुमेधस, इसलिए कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे क्या करेंगे कि हरि नाम संकीर्तन को द्वारा, कलयुग में हरि नाम संकीर्तन को द्वारा ही सचिनंदन गौर हरि को उपासना करेंगे। ये कब का कथा है, ये सत्ययुग में, ये सत्ययुग में ये श्री नवी महाराज जो प्रश्न की, ये करभाजर नव जोगेंद्र में एक करभाजर ये सत्ययुग में कह रहे हैं, कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि आकर के जगत में सर्वत्र ही हरि नाम संकीर्तन को प्रचार करेंगे। और महाप्रभु ने किया क्या, यही तो किया, सारे भक्त लोगों को लेकर गली गलियों में सारे शहर में क्या किया, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Sab kuch ke bola Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare I'm
सुदर्शन चक्र की जय श्री राधा विनोद बिहारी की राधा रमन लाल की सीतलीला प्रभुष्ट सुलभ भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय सीतलीला प्रभुष्ट विष्णुपाद सुषमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय सीतलीला प्रभुष्ट भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज सीतलीला प्रभुष्ट भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपरिकर गौर हरि की जय अनंत गुरु गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव।